أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته और मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये जो है बेबी ड्रेस जो है ये बनाना सिखाऊंगी। मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम आउट करके जो एक ही फ्रेम के अंदर है वो बेबी ड्रेस जो है वो पहले दिखा दूँ और फिर उसके बाद जो है बाकी की जो है मतलब कि वो किस तरह से नज़र आ रहा है और बाकी की जो चीज़ है वो फिर मैं थोड़ा सा जूम इन करके जो है वो टेबल के ऊपर रख के तो वो जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो दिखा दूंगी। तो थोड़ा मुश्किल था एक ही फ्रेम में पूरे ड्रेस को जो है वो कवर करना, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को एक ही फ्रेम में जो है पूरा ड्रेस जो है वो दिखा दूँ। तो ये अब मैं जो है वो जूम इन जो है वो करके थोड़ा सा ड्रेस जो है वो आप लोगों को दिखा दूंगी कि ये इस तरह से है। ये बस थोड़ा सा एक चीज़ है जो इसमें डिफरेंट है, जो नॉर्मली हम बेबी फ्रॉक्स या बेबी ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम बोडाइस, इसको बोडाइस पार्ट कहते हैं और इसको स्कर्ट पार्ट कहते हैं। तो उसमें बोडाइस और स्कर्ट पार्ट जो है वो एक ही पीस में जो है वो बनता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैंने ये वाला हिस्सा अलग से बनाया है और ये वाला हिस्सा अलग से बना के दोनों को फिर जो है वो ज्वाइन किया है और पीछे मैंने ये जो है एक बटन पट्टी जो है वो बना ली है। इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि मैंने जो है, ताकि आप लोगों को थोड़ा यानी साइज़ का जो है वो थोड़ा अंदाज़ा जो है वो हो जाए। तो इसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 12 इंचेस है या 30 से 31 सेंटीमीटर जो है वो इसकी विड्थ है। और जो इसकी लेंथ है वो भी मैं आपको जो है वो माप के जो है वो दिखा देती हूँ कि वो कितनी है। लेंथ इसकी जो है वो तकरीबन 26 मतलब इतना है, तकरीबन 27 इंचेस जो है वो इसकी लेंथ है, वो तकरीबन 69 सेंटीमीटर जो है वो बनती है। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे पीछे शायद आई थिंक मैंने बताया कि मैंने बटन पट्टी बना के तो दो बटन से अटैच किए हैं। ये रिबन है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है आप इस्तेमाल कर लें, नहीं है तो आप यान का कोई बेल्ट बना के या वैसे एक कोट बना के जो है वो अटैच जो है वो कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको बोडाइस पार्ट कहते हैं। और जो पहला हिस्सा है वीडियो का ये वाला, इसमें मैं इंशाल्लाह जो है बोडाइस बनाना यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मैं आपको सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने जो है वो यान कौन सी इस्तेमाल की है और मैंने जो है वो क्रोशे हुक कौन सा इस्तेमाल किया वो मैं आपको बता देती हूँ। क्रोशे हुक मैंने इस्तेमाल किया है 3 सेंटीमीटर यानी सॉरी मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर क्रोशे हुक। और यान मैंने ये मेटैलिक यान जो है वो ये वाली जो है वो यूज़ की है। और ये 50 ग्राम का जो है ये है, तो बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रहा। मैं कोशिश करती हूँ, अगर हो जाता है तो मैं आपको दिखा दूंगी। ये 50 ग्राम का जो है ये एक गोला है और इसमें 195 मीटर जो है ये क्रोशे सॉरी यान है, ताकि आप लोगों को जो है यान की जो मोटाई है वो समझने में थोड़ी आसानी हो सके। 50 ग्राम का गोला है, 195 मीटर जो है वो इसमें यान है और ये मैटैलिक यान है। आप कोई सी वाली यान जो भी आपका दिल करे वो यूज़ कर सकते हैं। क्रोशे हुक का मैं ऑलरेडी जो है वो मैं बता चुकी हूँ कि वो मैंने 3 मिलीमीटर जो है वो क्रोशे हुक जो है वो यूज़ किया है। तो चलें शुरू करते हैं। तो बोडाइस की जो जो है वो जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है नेक लाइन है उसको शुरू करने के लिए आपने ये करना है कि आपने चेन करनी है 66 चेन्स जो हैं, जो बेसिक जो नॉर्मल जो चेन्स होती हैं जिसको हम बेसिक चेन्स कहते हैं
वो आपने 66 जो है वो बनानी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और 10। तो मैंने कैमरा जो है वो बंद करके तो 66 चेन्स जो हैं या 66 चेन्स जो हैं वो मैंने बना ली हैं, क्योंकि अगर मैं ऑन कैमरा ही सारी चेन्स बनाती तो बहुत टाइम लग जाना था, इसलिए मैंने 66 चेन्स जो हैं वो बना ली हैं। अब आपने ये करना है कि आपने एक ये वाली चेन, दो तीन, ये तीन चेन्स जो हैं ये स्किप करके आपने तीन चेन्स जो हैं पहली वो स्किप करके चौथी चेन जो है ये वाली, इसमें एक डबल क्रोशे बना लेना है। ऐसे ये आपके दो डबल क्रोशे हो गए, जो आपने पहले तीन चेन्स जो स्किप की हैं वो आपका पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा, तो ये दूसरा डबल क्रोशे हो गया। एक और डबल क्रोशे उससे अगली चेन में तीन, फिर उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशे चार, फिर उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशे इसमें पांच, और फिर उससे अगली वाली जो चेन है हमारी ये वाली उसमें हमने एक डबल क्रोशे जो है वो बना लेना है। इस तरह हमारे टोटल जो हैं वो 6 डबल क्रोशे, पहली स्टार्टिंग जो चेन 3 हमने स्किप की थी उसको मिला के 6 डबल क्रोशे हो जाने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच और 6। अब हमने ये करना है कि उससे अगला वाला जो है ये वाला चेन हमारा, इसके अंदर हमने एक शेल स्टिच जो है वो आप कह लें उसको वो बना लेना है, उसमें हमने दो डबल क्रोशे एक और दो, दो डबल क्रोशे करने हैं, चेन टू करना है दो, और इसी चेन के स्पेस में जो है आपने दो और डबल क्रोशेज जो हैं वो बना लेने हैं। ये हमारा पहला कॉर्नर जो है वो बन चुका है, ये देखिए। अब आपने ये करना है अगली 16 चेन्स जो हैं उसमें एक एक डबल क्रोशे आपने बना लेना है, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ। तो मैंने जो है वो 16 जो है वो चेन्स जो थी उनमें एक एक डबल क्रोशे जो है वो बना लिया है, यानी ये हमारा कोना जो है उसके बाद हमने 16 डबल क्रोशे बनाए। अब हम अगला वाला जो हमारा कोना है, जो कॉर्नर है, वहाँ पे आ चुके हैं, तो ये हमारी अगली चेन है ये वाली, इसमें हम दो डबल क्रोशे एक और दो, चेन टू और दो डबल क्रोशे इसी चेन के अंदर जो है वो हम बना लेंगे, एक और दो। ये हमारा दूसरा कोना जो है या दूसरा कॉर्नर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हमने ये करना है, अगेन हमने जो है वो अगली 16 जो हमारी चेन्स हैं उसमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है, दो तीन चार।
तो मैंने जो है वो अगली 16 चेन्स में जो है वो एक एक डबल क्रोशे बना लिया है। अब हम अगला वाला जो हमारा कोना है वहाँ पे आ चुके हैं। ये हमारी अगली जो है वो चेन है, तो इसमें हमने दो डबल क्रोशे, एक और दो, दो डबल क्रोशे चेन टू, एक दो और दो डबल क्रोशे इसी चेन के जो हैं वो अंदर बना लेने हैं ऐसे। ये हमारा जो है वो तीसरा कोना जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने ये करना है अगली 16 जो चेन्स हैं उसमें अगेन हमने एक एक जो है वो डबल क्रोशे बना लेना है, एक दो तीन। तो अगली 16 जो चेन्स हैं उसमें एक एक डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम अपने आखिरी जो लास्ट हमारा जो कोना है वहाँ आ चुके हैं हम, ये वाला। तो यहाँ पे अब हमने ये करना है कि अगली चेन में जो है हमने दो डबल क्रोशे बनाने हैं, एक दो, चेन टू करना है और इसी चेन के अंदर हमने दो डबल क्रोशेज जो हैं वो बना लेने हैं इस तरह से। अब हमारे पास छह चेन्स जो हैं वो बाकी होनी चाहिए, तो उन छह चेन्स के अंदर एक एक हमने डबल क्रोशे जो है वो बना लेना है, एक दो तीन चार पाँच और छः। तो मैंने सोचा कि ये वाला राउंड मुकम्मल होने के बाद मैं थोड़ा सा जूम आउट करके जो है वो थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये हमारे कोने हैं, एक दो तीन चार। ये वाली हमारी जो है ये छः छः जो डबल क्रोशेस हैं ये हमारी बैक साइड है, और आपने देखा होगा कि इसमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यानी इसमें यहाँ पे आप देखें तो हमने 16 स्टिचेस बनाए थे लेकिन यहाँ पे 12 बनते हैं, छः इस साइड की और छः इस साइड की। और ये जो छोटा सा जो स्पेस बच रहा है वो इसलिए बच रहा है कि इसमें हमने अपनी बटन पट्टी जिसको कहते हैं वो बनानी है, इसलिए जो है इसमें कम है। अब आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो रहा होगा कि ये नेक लाइन जो है वो बनना जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारा राउंड टू और उसके बाद जो हैं कुछ राउंड्स जो हैं वो सेम ही होंगे, यानी हमारा जो राउंड टू है वो ही हमने जो है वो आगे भी कुछ राउंड्स में जो है कुछ राउंड्स तक हमने जो है यही वाला राउंड जो है वो हमने रिपीट करना है। तो आपने ये करना है चेन थ्री करना है, एक दो तीन। ये चेन थ्री जो है ये आपका पहला डबल क्रोशे गिना जाएगा, काम को टर्न कर लें। ये आपका पहला जो है या लास्ट वाला जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर आप चेन थ्री बना चुके हैं, इसको आप स्किप कर देंगे और उससे अगला वाला जो डबल क्रोशे है उसमें आप एक डबल क्रोशे बना लेंगे। और उसके अलावा यहाँ तक जो चेन टू का हमारा स्पेस है जो कॉर्नर है उसके हर डबल, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते तब तक आपने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे जो है वो बना लेना है, और ताकि जो है हमारा हम अगले कॉर्नर में जो है जो हमारी चेन टू की स्पेस है जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमारी दो स्टिचेस की जो है वो इंक्रीजिंग जो है वो हो चुकी होगी। अब ये देखें, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। ये अब हमारे 8 स्टिचेस हैं, पिछले राउंड में हमारे 6 थे क्योंकि ये दो जो कोने वाले जो शेल स्टिच के पहले दो जो डबल क्रोशेज हैं वो उन पे भी जब हमने एक एक डबल क्रोशे बनाया तो वो हमारी इंक्रीज हो गई। अब हम आ चुके हैं चेन टू के स्पेस में, यहाँ पे आपने वो ही करना है, आपने दो डबल क्रोशे बनाने हैं, एक दो, चेन टू करना है, एक और दो, और इसी चेन टू के स्पेस में आपने दो डबल क्रोशेज और जो हैं वो बना लेने हैं इस तरह से। ये हमारा कॉर्नर जो है वो एक
मुकम्मल हो चुका है, अब हमने ये करना है। हमने यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी चेन्स टू के स्पेस से पहले तक हमारे जो हैं वो पिछले राउंड में 18 थे, अब हमारे 20 डबल क्रोशे, सॉरी 16 थे, अब हमारे 20 डबल क्रोशे बनेंगे। हर हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बना के आपको मैं यहाँ पे जो है वो दोबारा से वीडियो को रिज्यूम जो है वो करूँगी। तो मैंने जितने भी डबल क्रोशेज थे इस चेन टू के स्पेस से लेके अगले चेन टू के स्पेस तक, उन सब में एक एक डबल क्रोशे बना लिया है। अब हम अपने अगला वाला जो चेन टू का स्पेस है, ये वाला, वहाँ आ चुके हैं। तो इस चेन टू के स्पेस में हमने दो डबल क्रोशेज बनाने हैं, एक दो चेन टू, और फिर उसी चेन टू के स्पेस में दो डबल क्रोशेज जो हैं वो और हमने बना लेने हैं। अब आपने ये करना है कि अब आपने जो है यहाँ से लेके इस चेन टू के स्पेस से लेके इस चेन टू के स्पेस के दरमियान में जितने भी डबल क्रोशेज हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी डबल क्रोशेज हैं, उन सब के ऊपर फिर से जो है एक एक डबल क्रोशे जो है वो बना लेना है एंड तक जो है। तो हमारा अगला जो चेन टू का स्पेस है वहाँ हम आ चुके हैं। अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि हमने यहाँ पे दो डबल क्रोशे, एक और दो और चेन टू और दो डबल क्रोशेज जो हैं वो इसी चेन टू के स्पेस में जो हैं वो बनाने हैं। तो ये हमारा जो है वो तीसरा कोना जो है वो भी जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपने ये करना है कि अगेन यहाँ से लेके अगेन आपने यहाँ से लेके तो यहाँ तक अगला वाला जो हमारा चेन टू का स्पेस है उसके दरमियान जितने भी डबल क्रोशेज हैं, हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो हम अगला वाला जो चेन टू का स्पेस है, ये देखें यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने ये करना है, हमने दो डबल क्रोशेज बनाने हैं, एक और दो चेन टू बनना है, और इसी के अंदर जो है हमने एक दो जो हैं वो सॉरी डबल क्रोशेज बना लेने हैं। अब हम एंड पे आ चुके हैं। एंड वाला हमारा जो मैं कहूँगी एक छोटा सा जो है क्या कहेंगे आप उसको, छोटा सा जो एक हिस्सा जो है वो रह गया है ये वाला। तो इसमें आपने ये करना है कि आपने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है, और चेन टू चेन थ्री जो स्टार्टिंग चेन थ्री जो था हमारा उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशे हमने बना लेना है, एक दो तीन चार पाँच। तो अब हमारा जो है सेकंड राउंड जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो अब आपने ये करना है कि जो सेकंड वाला जो दूसरा राउंड है वही आपने रिपीट करना है। आपने हर हर जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशे आपने बनाना है, हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है आपने, और चेन टू का जो स्पेस है ये वाला, इसके अंदर आपने दो डबल क्रोशे चेन टू दो डबल क्रोशे बनाना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है चेन टू का स्पेस जो है अगला, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक भी हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे आपने बनाना है, और फिर चेन टू के अंदर जो है दो डबल क्रोशे चेन टू दो डबल क्रोशे बनाना है। बस ऐसे ही करना है, आपने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे और चेन टू के स्पेस के अंदर आपने जो है वो दो डबल क्रोशे चेन टू दो डबल क्रोशे एंड तक जो है वो आपने बना लेना है। और ये वाला जो आपका स्टार्टिंग जो चेन थ्री है इसके ऊपर भी आपने एक डबल क्रोशे बनाना है, क्योंकि वो आपका पहला डबल क्रोशे जो है वो गिना जाएगा। तो बस ऐसे ही आपने करना है, चेन थ्री करना है, एक
2, 3 काम को टर्न कर लें और बस फिर हर डबल क्रोशे के अंदर एक डबल क्रोशे, चेन टू के स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशे, चेन टू, 2 डबल क्रोशे जो हैं वो बना लेने हैं। मैं कुछ राउंड्स बना के तो दोबारा से जो है वो वीडियो को रिज्यूम करती हूँ। तो मैंने जो है राउंड टोटल जो हैं वो 6 राउंड्स जो हैं वो मैं अब तक बना चुकी हूँ। ये हमारा पहला राउंड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा। तो 6 राउंड्स जो हैं वो बनाने के बाद जो हैं अब हम 6 राउंड्स जो हैं वो बनाने के बाद जो हमारी बैक साइड है, ये हमारा जो है ये बाजू है। अब आपने ये करना है कि आपने चेन थ्री करना है, 1, 2, 3 और काम को जो है वो आपने टर्न कर लें। अब आपने ये करना है हर हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे आपने बनाना है जब तक आप इस चेन टू के स्पेस तक जो है वो नहीं पहुंच जाते। हर हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे जब तक आप यहाँ नहीं पहुंच जाते। हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम जो हैं इधर अपनी चेन टू के स्पेस में जो हैं वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं इस चेन टू के स्पेस में, 1 और 2 ऐसे। लेकिन पहले ये होता है कि आप चेन टू और फिर इसी के अंदर जो है 2 डबल क्रोशे बनाते हैं, लेकिन अब हमने ये नहीं करना। अब हमने ये करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सारे स्टिचेस जो है उनको स्किप कर देना है और अगला वाला हमारा जो है चेन टू का स्पेस ये वाला जो है, सॉरी, आपने चेन 12 चेन्स करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 चेन्स करके आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आपके जो हैं डबल क्रोशेस हैं या जो भी स्टिचेस हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आपके स्टिचेस हैं आपने वो सारे जो हैं वो स्किप कर देने हैं। और अगला जो आपका चेन टू का स्पेस है ये वाला, इसके अंदर आपने 2 चेन्स जो हैं वो, सॉरी 2 डबल क्रोशेस जो हैं वो बना लेने हैं, 1 और 2। अब आपने यहाँ से लेके तो हमारा अगला जो चेन टू का स्पेस है यहाँ तक ये जितने भी डबल क्रोशेस हैं इनके ऊपर एक एक जो है वो डबल क्रोशे आपने बना लेना है। मैं 1, 2 बनाऊंगी और बाकी के जो है वो मैं कैमरे को बंद करके ही बनाऊंगी ताकि हमारा जितना भी हो सके वो टाइम जो है वो बच सके। तो हम अगला वाला जो है हमारा जो चेन टू का स्पेस है ये वाला, यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमने ये करना है 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं, 1 और 2 और फिर से हमने 12 चेन्स जो हैं वो करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 चेन्स करनी है और उसके बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये जितने भी स्टिचेस हैं ये सारे यहाँ से यहाँ तक स्किप करके, तो अगला वाला हमारा जो चेन टू का जो स्पेस है ये वाला, इसमें हमने 2 डबल क्रोशेस बना लेने हैं, 1 और 2। ये हमने बना ली। अब हमने ये करना है कि जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हैं इंक्लूडिंग जो चेन थ्री है स्टार्टिंग, यहाँ तक जो है हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे जो है वो बना लेना है एंड तक। एंड तक जो है वो मैंने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बना लिया है। अब मैं इसको जो है वो थोड़ा सा फोल्ड करूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो अंदाज़ा जो है वो हो सके कि मैंने जो है वो क्या जो है अब तक जो है वो बना है।
इस तरह से ये बैक साइड है, और ये हमारी जो है ये बाजुओं का है, ठीक है। अब आपको मैं आगे बताती हूँ कि आपने जो है वो क्या करना है। अब आप चेन थ्री करें, चेन थ्री करें, एक दो तीन, काम को टर्न करें, और ये पहला वाला तो हमारा डबल क्रोशे इसके ऊपर बन चुका है, उससे अगला वाला ये है, उसके ऊपर आपने एक डबल क्रोशे बनाना है, और हर हर डबल क्रोशे के ऊपर आपने एक डबल क्रोशे बना लेना है जब तक आप यहाँ पे जो है वो नहीं पहुँच जाते। अब हम जो हैं एंड पे पहुंच चुके हैं, और ये हमारी जो हैं 12 चेन्स जो हैं वो आपको याद होंगी पिछले राउंड की थी। अब आपने हर हर चेन के अंदर एक डबल क्रोशे जो है वो बना लेना है, एक दो तीन चार पांच छः सात। तो हर हर डबल क्रोश हर हर चेन के अंदर जो है वो हमने एक एक चेन एक एक डबल क्रोशे जो है वो बना के हमारे टोटल 12 जो हैं डबल क्रोशे जो हैं वो होने चाहिए। तो हम गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 और ये 12। अब हम दोबारा से जो है वो डबल क्रोशेज पे आ चुके हैं, तो हर हर डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक एक जो है वो डबल क्रोशे बनाना है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो है हमने हर हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बना लेना है जब तक हम ये चेन 12 का जो एक क्या कहते हैं उसको गैप है वहाँ तक हम नहीं पहुँच जाते। तो हम दोबारा से जो है वो चेन 12 के पास जो हैं 12 चेन्स जो हमने की थी वहाँ पे हम आ चुके हैं। तो अब हमने हर हर चेन के अंदर जो है वो एक डबल क्रोशे जो है वो बना लेना है, तो यहाँ पे हमारे जो हैं वो 12 डबल क्रोशेज जो हैं वो हो जाएंगे एक्स्ट्रा दोनों साइड पे, 12 इस साइड पे 12 उस साइड पे, 3 4 5 10 11 और ये आखिरी वाला 12। अब आपने ये करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी डबल क्रोशेज हैं उन सब के ऊपर एक एक एंड तक जो है वो डबल क्रोशे जो है वो बना लेना है। एंड पे हमारा जो स्टार्टिंग जो चेन थ्री है पिछले राउंड का उसके ऊपर भी आपने एक जो है वो डबल क्रोशे बना लेना है। इस राउंड को पूरा करने के बाद और काम को फोल्ड करने के बाद जो है वो आपका जो है बोडाइस जो है उसकी शेप कुछ इस तरह से जो है वो होगी। मैंने सोचा अगला वाला जो राउंड है वो शुरू करने से पहले जो है वो मैं आपको एक दफ़ा जो है वो दिखा दूँ। अब हमने ये करना है कि हमने ये वाला जो गैप है इसको जो है फिल करना है बटन पट्टी जो है वो बना के। उसके लिए हमने ये करना है कि अब आपने ये करना है कि उधर ही अपने काम को जो है वो चेन वन करें, और काम को टर्न नहीं करना, बल्कि अब हमने यहाँ से यहाँ तक जो है वो बटन पट्टी वाला जो है वो शुरू करना है, चेन वन करें, और ये जो हमारा डबल क्रोशे है इसके अंदर हमने एक डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे जो है वो बना लेना है। अब जो उससे अगला वाला जो डबल क्रोशे और इस डबल क्रोशे का जो ज्वाइनिंग जो पॉइंट है जिस चेन थ्री के ऊपर आपने डबल क्रोशे बनाया है उसके ऊपर एक ये टाइनी सी लूप होगी या कुछ, ये वाली ये इसके अंदर एक जो है वो सिंगल क्रोशे आपने बना लेना है। फिर से अगला हमारा ये वैसे तो चेन थ्री है, इसके अंदर आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और उससे अगला वाला जो उसका टॉप है
डबल क्रोशे का, उसके ऊपर आपने एक सिंगल क्रोशे जो है वो बना लेना है। फिर हमारा डबल क्रोशे जो है उसके सेंटर में, समझे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया, उससे अगला जो जॉइनिंग पॉइंट है ये वाला, इसके ऊपर जो है ये, इसके ऊपर आपने एक सिंगल क्रोशे बना लिया। इसी तरह आपने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपने जो डबल क्रोशे है या चेन थ्री है उसके अंदर एक आपने सिंगल क्रोशे बनाना है, और फिर जो दोनों का जॉइनिंग पॉइंट होगा उसके अंदर आपने एक सिंगल क्रोशे जो है वो एंड तक जो है वो बना लेना है। अब हम ये जो है चेन थ्री, जो स्टार्टिंग चेन थ्री था उसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशे बना लिया, तो उसका जो टॉप है, जो थर्ड चेन है, उसके ऊपर भी आपने एक सिंगल क्रोशे जो है वो बना लेना है ऐसे। अब ये करना है आपने कि आपने चेन वन करना है, काम को टर्न कर लें, और हर इस सबसे पहले तो ये चेन वन जो है वो आपका सिंगल क्रोशे नहीं गिना जाएगा, तो इसलिए पहला वाला जो आपका सिंगल क्रोशे है उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएं, और हर हर सिंगल क्रोशे के ऊपर एंड तक जो है वो आपने एक एक जो है वो सिंगल क्रोशे जो है वो बना लेना है। तो मेरे इस वक्त जो है वो टोटल जो है वो 17 जो है वो सिंगल क्रोशे हैं। मैं चेन वन करूँगी, काम को जो है वो टर्न करें, इसी जो है वो सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे आपने बनाया, और अगले 6 जो सिंगल क्रोशे हैं उसके ऊपर भी आपने एक एक जो है वो सिंगल क्रोशे बना लेना है, यानी टोटल 7 हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमारे 7 जो हैं वो सिंगल क्रोशे हो गए हैं। अब हमने चेन टू करना है, और ये 2 जो हमारे सिंगल क्रोशे हैं, एक ये और एक ये, इसको स्किप करके उसे अगला वाला हमारा सिंगल क्रोशे ये वाला है, उसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, और 6 जो हमारे जो हमारा पहला बटन होल ये वाला जो बनाया, उसके बाद हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब हमने फिर से चेन टू करना है, ये और ये वाला दो जो सिंगल क्रोशे हैं, एक ये और एक ये, उसको छोड़ के आखिरी वाला जो हमारा सिंगल क्रोशे है उसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशे जो है वो बना लेना है। अब हमारे पास 2 बटन होल्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब आपने चेन वन करना है, काम को टर्न करें, ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे है, इसके ऊपर आपने एक सिंगल क्रोशे बनाया, ये हमारा चेन टू का जो है स्पेस है, जो हमने बटन होल बनाया है उसके अंदर आपने 2 सिंगल क्रोशे जो हैं वो बना लेने हैं। ये आपका पहला बटन होल बन चुका है। अब यहाँ से लेके अगली हमारी चेन टू का स्पेस यहाँ है, उन सब में, सब सिंगल क्रोशे में एक एक सिंगल क्रोशे जो है वो आपने बना लेना है, जब तक आप अगली जो चेन टू, आपका जो चेन टू का स्पेस है आप वहाँ तक नहीं पहुँचते। ये हमारा चेन टू का स्पेस है, इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं ऐसे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी सिंगल क्रोशे हैं उन सब के अंदर आपने सिंपली बस एक एक सिंगल क्रोशे जो है वो बना लेना है एंड तक, ये। अब आप चेन वन करें, ये हमारा जो है वो आखिरी जो है वो राउंड होगा, काम को टर्न करें, इस जहाँ पे जो हमारा पहला सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हर हर सिंगल क्रोशे के ऊपर आपने एक एक सिंगल क्रोशे एंड तक जो है वो बना लेना है। दूसरी वो वाली साइड जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, और अब हमने ये किया है कि हमने जो है यार्न को जो है वो काट लिया है सिंगल क्रोशे का जो राउंड है उसको पूरा करने के बाद।
अब हम ये करेंगे कि हम जो हैं हम यहाँ पे या यहाँ पे इस साइड इन दोनों इस साइड पे यानी यहाँ पे या यहाँ पे ये हमारी मुकम्मल हो चुकी है, इसको छोड़ दें। इस पे या यहाँ पे कहीं पे भी आप जो है वो यान को जो है वो ज्वाइन करेंगे, और जो हमने दूसरी साइड पे बनाया है उसी को ही हमने जो है वो रिपीट करना है। चाहे तो आप जो है बस यही फ़र्क है कि उसमें बटन होल्स बनाए थे लेकिन इस साइड पे हमने बटन होल्स जो है वो नहीं बनाए। यान को जो है वो मैंने ज्वाइन किया है। उसके बाद आपने ये करना है चेन वन किया। चेन वन करने के बाद इसी के अंदर जो है एक सिंगल क्रोशे बनाया, और फिर जैसा पिछले दूसरी साइड पे हमने किया उसी तरह हमने करना है कि एक सिंगल क्रोशे उस डबल क्रोशे के अंदर और एक उन दोनों का जो भी जॉइनिंग पॉइंट होगा उसके अंदर हमने जो है वो बना लेना है। दूसरी साइड पे 17 सिंगल क्रोशे थे तो इस साइड पे भी हमारे 17 सिंगल क्रोशे ही जो है वो होने चाहिए। 16, और ये जो है हमारा टॉप है इस या सॉरी टॉप नहीं, इसकी बेस जो है स्टार्टिंग हमारी चेन जो थी वहाँ पे इसका इस डबल क्रोशे का जो बेस है उसमें भी हमने एक बना लिया। तो ये हमारे 17 जो है वो सिंगल क्रोशे मुकम्मल हो चुके हैं। अब आपने चेन वन करना है, काम को टर्न करें और हर हर सिंगल क्रोशे के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे जो है वो आप एंड तक जो है वो बना लें। एंड पे जो है वो मैं आ चुकी हूँ और मैंने चेन वन भी कर लिया है। काम को टर्न करें और यहाँ से लेके यहाँ तक अगले जो दो राउंड्स हैं आपने हर सिंगल क्रोशे के ऊपर एक जो है वो सिंगल क्रोशे यहाँ से यहाँ तक पे बनाना है। फिर चेन वन करके काम को टर्न करके यहाँ से यहाँ तक हर सिंगल क्रोशे के अंदर एक सिंगल क्रोशे जो है वो आपने बना लेना है। तो हमारी दूसरी साइड जो है वो भी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है बटन पट्टी की ये वाली। अब आपने ये करना है कि जो बटन वाला जिसमें होल्स हैं जिस बटन पट्टी की साइड पे जो होल्स हैं उसको नीचे रखना है और इसको जो है आपने दूसरी साइड जो है उसके ऊपर रख के यानी ओवरलैप कर रहा हो ऐसे रख के, तो आपने जो है आपने ऐसा करना है कि यान को काट लें, हम दोबारा से इसको जो है वो रीजॉइन जो है वो करेंगे। तो अब आपने ये करना है कि जो होल वाली साइड है बटन के जो होल्स जिस साइड पे हैं उसको नीचे रखें और जो साइड हमने अभी मुकम्मल की है उसके ऊपर ओवरलैप करके, तो इस साइड का जो पहला वाला जो सिंगल क्रोशे का राउंड था वो ये वाला है। इस साइड का जो सिंगल क्रोशे का इसका पहला राउंड है वो ये वाला है। यहाँ पे आपने जो है इसके पहले राउंड में और दूसरी जो साइड का जो आखिरी राउंड है सिंगल क्रोशे का वो ये है, इन दोनों के बीच में जो है हुक को जो है वो इंसर्ट करके तो आपने जो है वो यार्न को ग्रैब कर लेना है ऐसे और चेन थ्री करना है, 1, 2 और 3। चेन थ्री करने के बाद आपने ये करना है, मैंने जूम आउट इसलिए किया है कि थोड़ा सा जो है वो मैंने नहीं चाहती कि कुछ भी मिस जो है वो हो। अब इसका अगला वाला जो सिंगल क्रोशे का राउंड है उसमें और पिछली साइड का जो अगला वाला राउंड है ये वाला उस दोनों को जो है उन दोनों के अंदर डाल के आपने जो है वो एक डबल क्रोशे बना लेना है, 2 हो गए। अब उससे अगला वाला इसका ये है तीसरा और उससे अगला वाला पीछे वाला जो है वो एक, उससे अगला वाला लेंगे 4, 3 और ये चौथा जो है वो और पिछली वाली का जो है वो सेकंड लास्ट होगा, क्योंकि एक राउंड हमने जो है वो दूसरी साइड पे सिंगल क्रोशेज का जो है वो एक्स्ट्रा बनाया था। ज्वाइन कर लें। अब ये पिछली वाली साइड का जो है ये आखिरी वाला जो है सिंगल क्रोशे है उसके अंदर एक आपने हर यानी डबल क्रोशे बनाना है, आपने दोनों को जो है वो ज्वाइन करके एक डबल क्रोशे जो है वो आपने बनाना है। अब आपने ये करना है कि
हर जो आपका जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर आपने एक एक डबल क्रोशे बना लेना है। हर हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे आपने जो है वो बना लेना है। सोचा मैं थोड़ा सा जूम आउट करके जो है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अब तक जो है वो हमारा जो काम है वो इस तरह से जो है वो हो चुका है। अब आपने हर हर डबल क्रोशे के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर ये सारे जो आपके डबल क्रोशे हैं सब में यहाँ तक जो है एक एक डबल क्रोशे जो है वो बना लेना है। तो हर हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम जो हैं एंड पे आ चुके हैं। ये हमारा लास्ट वाला जो है वो डबल क्रोशे है और ये हमारा जो है वो स्टार्टिंग चेन या पहला डबल क्रोशे जो है कह लें उसके ऊपर आपने उसकी थर्ड चेन पे जो है आपने स्लिप स्टिच जो है वो कर लेना है। चेन थ्री करें। ये अब से ये होगा कि आपने राउंड्स में जो है वो काम करना है। पहले तो ये हो रहा था कि आप जो है वो चेन थ्री करके यानी ज्वाइन नहीं थे करे लेकिन अब अपने आपने जो है वो ज्वाइन करना है। तो यहाँ तक बनाने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है वो इसकी थोड़ी सी जो है वो शेप दिखा दूँ कि अब तक जो है वो किस तरह की इसकी जो है वो शेप है। ये नेक लाइन है और ये नीचे से जो है ये चेस्ट का जो पार्ट कह लें वो है। ये वाले जो हैं ये आपके आर्म होल्स हैं और ये हमारी बैक साइड है। ये वो वाली जगह है जहाँ पे वो गैप था जो हमने फिल कर दिया है बटन पट्टी बना के, ठीक है। और लेकिन ये है उल्टी साइड है, मैं आपको सीधा करके दिखा दूँ। और ये हमारे वो होल्स वाली साइड है जिसमें बटन होल्स हमने बनाए हैं वो है। और ये अब तक जो है वो इस तरह से जो है वो दिख रहा है। इसके बाद आपने ये करना है अगला वाला जो राउंड है आपका इंतहाई जो है जिसको कह ले सिंपल सा राउंड है उसमें आपने करना ये है कि आपने चेन थ्री आप ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने बहुत ही सिंपल सा है कि आपने हर 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 डबल क्रोशे के अंदर आपने एक एक जो है वो डबल क्रोशे एंड तक जो है वो बना लेना है। हर हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे आपने यहाँ से लेके ऑल द वे यहाँ तक जो है वो बना लेना है। और यहाँ पे आके जो है वो मैं दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करती हूँ। तो अब आपने ये करना है कि आपने ये वाला अभी जो राउंड बनाया है ये वाला राउंड तब तक रिपीट करना है जब तक आपके आपका जो बोडाइस है जो उसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ जो है वो जब तक के 9 इंचेस एटलीस्ट 9 इंचेस जो है वो नहीं हो जाती। मेरे वाले की अभी तकरीबन तकरीबन 7 इंचेस है इसलिए मैं लास्ट वाला राउंड जो है वो मैं रिपीट करूँगी जब तक मेरी जो लेंथ है वो 9 इंचेस नहीं हो जाती। और बस उसके लिए वही है आपने जो है ठहरा मैं इसको ज्वाइन कर लूँ एंड पे जाके आपने चेन थ्री करना है और हर हर डबल क्रोशे के अंदर एक डबल क्रोशे बनाना है सिंपल एज दैट। उसके अलावा आपने कुछ भी जो है वो नहीं करना। सॉरी मेरा लैपटॉप गर्म हो जाता है तो फिर इश्यूज हो जाते हैं कैमरे के साथ।
यहाँ पे मैं आपको जो है विथ जो है वो बता देती हूँ कि इस वक्त हमारा जो बोर्डाइस है उसकी विथ जो है वो तकरीबन 12 इंचेस जो है वो है। यहाँ पे आपने देखा था कि आई थिंक शायद 8 था या 9 था, कितना था मुझे याद नहीं। इन्हें यहाँ पे ये वाला हमारा आखिरी वाला जो राउंड है, ये वाला हमारा आखिरी राउंड था जहाँ पे हमने उसके बाद जो है इसको ज्वाइन जो कर लें या क्या कह लें, हाँ जहाँ पे हमने आगे जाके फिर ये हमारा आखिरी राउंड था, उसके बाद हमने ये जो चेन 12 जो है वो की थी। तो यहाँ पे हमारी आई थिंक जो है वो विथ जो थी वो तकरीबन 8.5 इंचेस थी इस चेन टू स्पेस से लेके इस चेन टू स्पेस के बाद। और फिर हमने 12 चेन्स जो हैं वो दोनों साइडों पे ऐड की, तो अब हमारी विथ जो है वो तकरीबन 12 इंचेस जो है वो हो चुकी हैं। अब आप लास्ट वाला राउंड रिपीट करें जब तक आपकी जो लेंथ, सॉरी लेंथ जो लेंथ है इसकी वो 12 9 इंचेस जो है वो नहीं हो जाती, सॉरी 9 इंचेस जो है इस यहाँ से लेके इसकी जो लेंथ है वो नहीं हो जाती तब तक आपने जो है, हमें 9 इंचेस चाहिए जो मुझे साइज़ चाहिए उसमें मुझे 9 इंचेस जो है इसकी विथ चाहिए लेंथ चाहिए। तो इसलिए मैं रिपीट करूँगी जब तक 9 इंचेस नहीं हो जाती, और विथ मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी 12 इंचेस है इस वक्त। तो मैंने जो है अपना बोर्डाइस जो है वो मुकम्मल कर लिया है। आप लोग जितना चाहो इसको लंबा या जो है वो चौड़ा जो है वो बना सकते हैं। तो अब आप देखें इसकी जो विथ है लेंथ है जो वो 9 इंचेस जो है वो बन चुकी है, और जो इसकी विथ है वो तकरीबन जो है, सॉरी, और इसकी जो विथ है वो तकरीबन जो है वो 12 इंचेस जो है वो बन चुकी है। अब आपने ये करना है, अब हमारा बोर्डाइस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। बाकी यहाँ पे जो है वो आपने बटन दो लगाने हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, वो तो आप सी सकते हैं, अटैच कर सकते हैं बटन। अब हमारा बोर्डाइस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसकी जो स्कर्ट वाला जो नीचे वाला हिस्सा है वो इंशाल्लाह अब हम उस पर जो है वो काम करेंगे। एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताना भूल गई थी, मेंशन करना भूल गई थी, और वो ये है कि यहाँ पे जब आपने राउंड्स जो एंड वाले जो चंद राउंड्स जो आपने बनाने हैं उसमें आपने ये करना है कि चेन थ्री करके आपने काम को टर्न नहीं करना, ज्वाइन करके चेन थ्री करके आपने काम को टर्न नहीं करना, बल्कि राउंड्स में ही जो है वो आपने बनाते जाना है। अगर आप चाहें तो आप टर्न भी कर लें, मुझे दूसरा वाला तरीका ज़रा आसान लगता है इसलिए मैंने वो वाला इस्तेमाल किया है।